हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। मुंबई के आजाद मैदान में राशन विक्रेताओं ने पीडीएस सिस्टम के खिलाफ आंदोलन किया। विधायक प्रकाश गजबीय एवं भैरूलाल प्रजापति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलनकारी दुकानदारों की मांग है कि राशन डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन में इजाफा किया जाए और हर डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 1000 कार्ड होल्डर मिलने का आश्वासन मिले। अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है तो उसे राशन कारोबारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए। वहीं विधायक प्रकाश गजभिये ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राज्य से लोग 50,000 लोग आए होंगे, निश्चित तौर से ये जो रेशन किराना दुकान और गवर्नमेंट का रेशन जो दिया जाता है गरीब जनता तक पहुंचाया जाता है, ये रेशनिंग दुकान के लोग, शासकीय रेशनिंग दुकान के लोग यहाँ पे आए हैं। उनकी डिमांड है कि हमें जो अनाज पहले 35 किलो अनाज मिलता था एक घर में, वो 5 किलो पे लाया, और जो जैसा भी जैसा इनको जो रॉकेल मिलता था तो उसमें से 95 का कट लगा दिया, 5% रॉकेल दे रहे। यहाँ पे बीपीएल कार्ड बंद हो गया, बीपीएल कार्ड रहा नहीं, और जो एपीएल कार्ड था केसरी का वो भी कार्ड अभी बंद जैसा है, क्योंकि उसके ऊपर भी 5 किलो अनाज दे रहे। और जो नीति है सरकार का, धोरण बराबर नहीं है, गरीबों को वहाँ पे जो अनाज है वो नहीं मिल रहा है, उसके वजह से ये लोग परेशान है। और एक मशीन उन्होंने लगाया ई पॉस मशीन, वो बंद है, और जो कामगार लोग हैं उनके जो हाथ के ठसे हैं बराबर आते नहीं, उसकी वजह से उनको अनाज नहीं मिल रहा है। ये पूरे देश की बात है, अभी हमारे राज्य की बात है तो राज्य में भी 75% लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, वो अनाज वैसा ही चढ़ रहा है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। और ये जो लोग इतने साल से, सही मायने में अगर इस भारत देश का निर्माण अगर किया होगा तो ये रेशनिंग दुकानदारों ने किया। आदमी को अनाज कोई दे नहीं सकता, कोई माइकल लाल दे नहीं सकता, यही लोग दे सकते जो गरीब लोगों को अनाज वहाँ तक पहुँचा। प्रशासन से कोई बात हुई? प्रशासन से नहीं, हमने लक्ष्मी के माध्यम से भी मुद्दा उठाया पिछले बार, लेकिन ये सरकार सोई सरकार है, अंधी सरकार है, मुक्ति सरकार है, ये लोगों को न्याय नहीं दे सकते, ये वस्तु स्थिति है। अभी अगर उनको न्याय, उनके बाल बच्चे कैसे वहाँ पे कैसे जिंदा रहेंगे। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।